हाँ तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आजाद खान, मैं सुन वैली सिंह। आज दसवां रमज़ान है, यानी जो पहला शरा है वो ख़त्म होने जा रहा है, जिस जो रहमत का था और जिसकी दुआ यूं थी, रब्बिक फिर वारखम व अंता खैर राखमीन, जिसका तर्जमा यूं बनता है कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। और कल से जो दूसरा शरा है वो शुरू होने वाला है, जो कि मगफरत का है, जिसकी दुआ यूँ बनती है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिनकुल ज़म्मे व अतूबु अलैह, मैं अल्लाह से अपनी तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ, जो कि मेरा परवरदिगार है और जिसकी तरफ रजू करना है। आज दसवां रमज़ान है तो मैंने सोचा क्यों ना यार ईद के जो हैं वो कपड़े ले लूँ, क्योंकि आपको पता है कि फिर दर्जी हैं वो कपड़े सिलाई के लिए नहीं रखते। ठीक है, अभी ले लूँगा और दे दूँगा, ठीक है, ताकि अभी ईद पे हैं जो वो मिल जाएं, इसलिए भाई जल्दी लेने पड़ते हैं कपड़े, अभी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो भाई लोग फाइनली हम कपड़ों की दुकान पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम जो हैं वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राशिद भाई, ठीक हो? लोग फाइनली एक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वाइट कलर का, इसे लट्ठा कहते हैं, ठीक है, तो ये एक और एक और लेना है, ठीक है, अभी इनमें से सिलेक्ट करना है। ये पड़े हैं काटन के, सही है, काटन ही लेंगे ईद पे। दूसरा है ये ब्लैक कलर का, सही है, काटन का, एक वाइट ले लिया और एक ब्लैक ले लिया, ठीक है। तो फाइनली यार सूट ले लिए, अभी दर्जी को देंगे, ठीक है, तो फिर बस अभी तो घर की तरफ जाते हैं, बाइक बाहर ही खड़ी है। तो भाई लोग दूसरा दिन है, आज फिर जा रहा हूँ, ठीक है, इस बाइक पे ना जो पेपरिंग वगैरह है वो स्टिकर लगवाने हैं। सही है, ये मार के ना इना दिखा दे क्या थोड़ा। तो भाई जान ये व्यू आप चेक करें भाई, बारिश हो रही है हल्की हल्की और बहुत प्यारा मौसम बन गया है। वैसे यार वादियों सुन का मौसम ना बहुत खूबसूरत होता है, आप जरा चेक करें, अभी बारिश हो रही है, ये आप देखें।